प्रतापगढ़ जिले के सांसद संगमलाल गुप्ता के साथ मारपीट बवाल के बाद रामपुर खास इलाके में लगातार सियासत जारी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को उन्हीं के गढ़ में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गांधीवादी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। बात करें यदि सांगीपुर की, तो भाजपा के नेता अभिषेक मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस को चैलेंज किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। बवाल के पहले और बवाल के बाद भी जी, बवाल तो उन्हीं लोगों ने किया और अपार जन समर्थन मिल रहा है। माननीय संगमलाल गुप्ता जी एक गरीब परिवार से उठ करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और वो जानते हैं गरीब का दर्द क्या होता है, वो तो पिछड़ों का गरीबों का दर्द जानते हैं। इनके सामंत शाही रवैये का विरोध करने पर ये मार्केट पर उतारू होते हैं। पिछले जिला पंचायत चुनाव में, आज के पिछले 2010 में मेरी माताजी साईपुर से जीती थी 8000 वोट चुनाव। उसके बाद लगातार दो बार जिला पंचायत में मेरे खिलाफ मुझे हराने के लिए ये हर तरह का हथकंडा बनाते हैं और ये पूरे माननीय राज्यसभा सांसद माननीय प्रमोद जी पूरे अपने बाइट में जितना उन्होंने बाइट दिया है, अभिषेक मिश्रा पर 302 है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ मेरे ऊपर मुकदमा 302 दिखाएं कहाँ पर है। वो अगर वो इतने बड़े नेता हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद झूठ बोलते हैं। तो आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। अच्छा, वो एकदम झूठ बोलते हैं कि मेरे ऊपर 302 का मुकदमा है। ऐसा क्यों, झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसके पहले जो भी चुनाव इनके क्षेत्र में जिला जब से विधायक बने हैं, कोई भी प्रत्याशी यहाँ आता है, कोई भी यहाँ एक्टिविटी करता है सामाजिक, वो सोचते हैं कि मेरे ही बैनर तले करे वो। अगर हम सामाजिक कार्य करेंगे तो उनके, तो ये संभव नहीं है। हम आपको पसंद नहीं करते तो हम अपना काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे। कोई भी चुनाव लड़ा है, सबको इन्होंने मारा है, पीटा है, दंगा किया है और कहते हैं बहुत, मैं तो बहुत स्वच्छ का हूँ। तो संगमलाल गुप्ता जी इस रामपुर खास के विकास के लिए यहाँ संसद तक दौड़ रहे हैं, अपनी यहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पर बहुत विकास कर रहे हैं। आज़ादी के बाद पहले ऐसे ही MP हैं जो इतना रामपुर खास के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक।